स्वागत है आप सबका मेटॉक के और एक एपिसोड में और लाइव आपके लिए मेडिकल दुनिया की बहुत सारी खबरें हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला अपडेट आ रहा है यार दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बारे में। यह अपडेट इसलिए आ रहा है कि जिन लोगों के बॉडी में पहले से डायबिटीज होता है उन लोगों के बीच कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ऐसे क्विज़ पेपर ने शुरू किया है तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये जो इवेंट होते हैं ये लगभग 58% होते हैं, यानी जिन लोगों के बॉडी में डायबिटीज होता है उन लोगों की बॉडी में यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का खतरा 58% होता है। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटीज से सफर करते हैं। आप सब लोगों को पता है कि जब आपको डायबिटीज होता है तो यहाँ पे बहुत सारे अदर डिसीज भी आपकी बॉडी को होने के बहुत ज्यादा खतरा होता है। जब आपको डायबिटीज होता है तो आपकी जो आप जितनी भी सारी हिल्स होती है, आपको जितनी भी सारी यहाँ पे चीजें आपके बॉडी के साथ होती है ज्यादा दिन तक रहती है। तो इसकी वजह से होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत सारी चीजें अदर चीजें भी होती है। तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट है। और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज या फिर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने का खतरा उन लोगों के बीच ज्यादा होता है जिन लोगों को डायबिटीज होती है, तो ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है दोस्तों एमएनसी कंपनी के बारे में, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। यहाँ पे जो अपडेट आ रहा है दोस्तों इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। और ये जो कंपनीज है आज की डेट में थोड़ी सी वरी कर रहे हैं या फिर ये जो कंपनी थोड़ी सी डिप्रेशन से इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि इंडिया में हो रहा है दोस्तों इलीगल यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, यानी इलीगल यहाँ पे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है कुछ दवाइयाँ। उस वजह से हो रहा है कि जो एमएनसी कंपनीज जैसे कि मैं बात करूँ अबॉट या फिर फाइजर या फिर जीएसके जितने भी सारे इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सारी कंपनीज यहाँ पे सफर कर रही है ये जो इलीगल इंपोर्ट ऑफ ड्रग हो रहा है की वजह से। उस वजह से इन कंपनीज का फार्मास्यूटिकल इंडिया में जो मार्केट है वो सब डाउन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इलीगल इंपोर्ट की वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट में कितना ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। उस वजह से उनका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जितना भी सारा बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखते आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में क्या नए कदम निकालते हैं और यहाँ पे इलीगल इंपोर्ट के बारे में क्या नया यहाँ पे कदम उठाता है। यहाँ पे दोस्तों तीसरा अपडेट ये आ रहा है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। रिसर्च एक्सपर्ट ने रिसर्च किया है उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस आज के डेट में बहुत सारे लोगों को है तो 2045 तक ट्यूबरकुलोसिस पूरी दुनिया से निकल जाएगा, ऐसे एक रिसर्च पेपर ने शुरू किया। लेकिन तभी निकल जाएगा जब इस ट्यूबरकुलोसिस को अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकेगा और ट्यूबरकुलोसिस के लिए अच्छी फंडिंग तब होना स्टार्ट हो जाएगा तो ट्यूबरकुलोसिस पूरी दुनिया से निकल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और देखते आने वाले दिनों में इसके बारे में क्या क्या नए अपडेट निकल कर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों चौथी बात यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों वाई कॉम्बिनेटर के बारे में। एक्चुअली सिलिकॉन वैली की एक कंपनी है वाई कॉम्बिनेटर, उसने एक्चुअली यहाँ पे इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी सारे स्टार्टअप होने वाले हैं इसमें से कौन सा भी एक स्टार्टअप हुआ जिसके लिए वो फंडिंग करेगी। और उस स्टार्टअप का नाम है दोस्तों इनिटू स्टार्टअप। ये जो स्टार्टअप है फार्मास्यूटिकल यहाँ पे मेडिकल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में एक अच्छे काम करता है इनिटू स्टार्टअप। तो उसके बारे में अपडेट आ रहा है कि वाई कॉम्बिनेटर सिलिकॉन वैली की बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्टार्टअप फंडिंग एजेंसी, वो उसको यहाँ पे बैकबोन देने वाली यानी उसको यहाँ पे कुछ सपोर्ट करने वाली है। तो ये भी बहुत अच्छा अपडेट इंडियन स्टार्टअप इनिटो के बारे में। और यहाँ पे सबसे लास्ट में पांचवी बात आ रही है दोस्तों अबॉट कंपनी के बारे में। अबॉट कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया दोस्तों एक केयर प्रोग्राम। ये जो कंपनी का प्रोग्राम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए पेशेंट डॉक्टर यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी इन तीनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे इसने अबॉट कंपनी लॉन्च किया ये जो पोर्टल, ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखते आने वाले दिनों में इसके बारे से क्या क्या लोगों को यहाँ पे हेल्प होती है। तो ये मेडिकल दुनिया के अपडेट, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस चैनल पे आप नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज में आपके लिए लाने का ट्राई करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।